Hey everyone, welcome to याचना साइंस क्लासेस। माई नेम अंकित दीक्षित। तो आज क्या है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड गैप की डेफिनेशन। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या है, फर्स्ट वीडियो में हमने एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड किया था, उसके बारे में डायग्राम किया था, अच्छे से किया था, समझा था। होप कि आपको वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम क्या है उसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप की क्या है डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टर क्या होते हैं उसके बेस पे डिफाइन करेंगे, इंसुलेटर क्या होते हैं उसके बेस पे डिफाइन करेंगे, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एनर्जी बैंड गैप के ऊपर क्या है डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या है करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो था हमारा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या था, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो उसमें आया था डायग्राम, थोड़ा सा रफली कर लेते हम। तो डेफ क्या है, यहां पे एक आएगा वैलेंस बैंड, क्या आएगा वैलेंस बैंड, एक क्या आएगा कंडक्शन बैंड, एक क्या आएगा कंडक्शन बैंड आएगा, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। डायग्राम क्या था हमारा, जो डायग्राम था पिछले उसमें किया था, बीच में क्लिक कर लेते हम, यहां पे ये ऐसे और यहां पे ये, उसके बाद ये गैप था, थोड़ा सा माइनस सा गैप था, गैप होने के बाद यहां पे ऐसे और ये ऐसे। डायग्राम में क्या था, यहां पे ये नीचे वाले बैंड को हम क्या बोलते थे, नीचे वाले बैंड को हम बोलते थे वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को हम बोलते थे कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड है ये, कंडक्शन, ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये क्या आएगा कंडक्शन बैंड, क्या है ये कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस था इसको क्या बता रहा है डायग्राम में, एनर्जी बैंड गैप। किस केस पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, जो बैंड थ्योरी सॉलिड किया था ना वो क्या किया था, जीरो केल्विन पे किया था, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, जो वैलेंस बैंड होता है, जो वैलेंस बैंड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये लेवल है और इस वैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी लेवल है ये लाइन इंफिनिटी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वैलेंस बैंड और क्या होता है कंडक्शन बैंड। अब डेफिनेशन करेंगे, एक ऐसा बैंड जिसमें ये क्या होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डेफिनेशन आई किसी वैलेंस बैंड की, द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इज नोन एज वैलेंस बैंड। डेफिनेशन क्या है, द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज नोन एज, इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे वैलेंस बैंड, ठीक है, लिखेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये कहां होता है, नीचे होता है ना नीचे आएगा। अब इसमें क्या है, ये जो बैंड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, वो कहीं पर भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है कभी भी खाली नहीं होगा, कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होगा, इट नेवर बी एम्प्टी, वैलेंस बैंड नेवर बी एम्प्टी, ये कभी भी खाली नहीं होगा, चाहे टेम्परेचर कितना है, जीरो केल्विन है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब ये खाली नहीं है तो क्या होगा, वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड, ठीक है, पार्शली फिल्ड या फुली फिल्ड, ठीक है, तो पूरा भरा होगा या थोड़ा बहुत भरा होगा, लेकिन कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, सेकंड पॉइंट इसमें बैलेंस बैंड में। और थर्ड में क्या आता है, थर्ड पॉइंट क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड के अंदर है,
और क्या होते हैं, ये इसी के अंदर रहेंगे, ये ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो ये क्या है, करंट नहीं देंगे। ये क्या है, ये वाले जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या है, करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, द करंट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड नॉट प्रोड्यूस करंट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड नॉट कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता। ठीक है, किस कंडीशन के क्वांटम टेंपरेचर कितना लिया है, जीरो केल्विन, कितना लिया है, जीरो केल्विन, ये क्या हुआ, वैलेंस बैंड का हुआ। ठीक है, उसके बाद किसकी डेफिनेशन करेंगे, कंडक्शन बैंड की, जो एमपीटी है ऊपर है, जो सबसे लोएस्ट है और खाली है बैंड, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन क्या है, द लोएस्ट एमपीटी बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द लोएस्ट क्या आएगा, द लोएस्ट एम्प्टी बैंड, द लोएस्ट एम्प्टी बैंड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, क्या बोलेंगे उसको, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, और ये कहां होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट क्या है, ये क्या है, कभी भी फुली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, इट मे बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड, क्या होता है ये, पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है ये, पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, भरा होता है, ठीक है, बिल्कुल खाली नहीं होता है। और दूसरा क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, करंट को प्रोड्यूस करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन सीबी कंडक्शन बैंड देन दे कंट्रीब्यूट या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट बनाएंगे अगर इसमें होंगे तो। ठीक है, तो यहां से हुआ, इसकी डेफिनेशन हुई कंडक्शन बैंड की और ये वैलेंस बैंड की। ठीक है, ये हुआ क्लियर, कर दे इसको रब कर दें। तो अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन की है, अब इसमें एक और डेफिनेशन छोटी सी, वो आती है फर्मी लेवल, क्या होता है फर्मी एनर्जी, क्या होती है। ठीक है, क्या होता है फर्मी एनर्जी, क्या होती है, तो फर्मी एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जीरो केल्विन टेम्परेचर पे होता है और उसके पास जो एनर्जी होती है, हाईएस्ट जो एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल, और उसके पास एनर्जी आएगी उसकी, उसको बोलेंगे फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसी में लिखेंगे फर्मी, क्या आएगा, फर्मी लेवल, क्या आएगा, फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी लेवल क्या आएगा, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल पजेस या ऑक्यूपाइड, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फर्मी
लेवल, ठीक है। और इसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्मी एनर्जी। एंड द कोरस्पोंडिंग एनर्जी क्या लिखोगे, एंड कोरस्पोंडिंग एंड एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू इट, एंड एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू इट इज कॉल्ड फर्मी, क्या बोलेंगे इसको, फर्मी एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, फर्मी एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। इधर क्लियर हुआ, तो फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो यहां से ये क्या था, कंडीशन क्या है, कंडीशन है जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जितने भी हाईएस्ट एनर्जी होगी उससे नीचे सारे लेवल क्या होंगे, भरे हुए होंगे, और उससे ऊपर क्या होंगे, सारे खाली होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, मान लिया कोई लेवल है, ये क्या कोई लेवल है एनर्जी का, ठीक है, ये क्या कोई एनर्जी का मान लिया लेवल है, ठीक है। इससे नीचे जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्या होगा, खाली होगा, इसको क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल। तो एफ लिख देंगे, ठीक है, क्या देंगे, फर्मी लेवल। तो यहां से ऊपर क्या होगा, एम्प्टी होगा, और नीचे क्या होगा, फिल्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल्ड, ठीक है, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, फिल्ड होंगे, भरे हुए होंगे। इतना हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये फर्मी लेवल की डेफिनेशन थी, और फर्मी एनर्जी की किस टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, वैलेंस बैंड हुआ, कंडक्शन बैंड हुआ, अब हमारे पास क्या बचा, एनर्जी बैंड गैप बचा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन किसकी करेंगे, एनर्जी बैंड गैप की। तो करते हैं डेफिनेशन किसकी, एनर्जी बैंड गैप। जो डेफिनेशन है एनर्जी बैंड गैप की, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, क्या सिंपल है, जो कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट जो है लेवल वो, और जो वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला जो टॉप का है वो, उनके बीच के सेपरेशन को बोलते हैं द गैप बिटवीन द लोअर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर ऑफ अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। इतना हुआ कि या फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन गैप। तो क्या लिखोगे इसको, डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे, ये क्या है सबसे नीचे वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे, द गैप बिटवीन, द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ, बॉटम लेवल ऑफ कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला, एंड अपर मोस्ट, सबसे ऊपर एंड अपर मोस्ट लेवल ऑफ किसका, वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप, इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप, इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। सिंबल क्या आएगा इसका, जो सिंबल आएगा ना वो सिंबल क्या आएगा, ई जी, खूब का पार्ले जी, ठीक है। तो यहां से क्या है, कैपिटल ई जी, ठीक है। तो ये क्या सिंबल होता है इसका, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो इतना हुआ ये डेफिनेशन। अब इसके बेस पे करेंगे, अब इसकी जो वैल्यू है ई जी की वैल्यू, ई जी कौन सा, ई जी कौन सा, पार्ले जी नहीं, पार्ले जी नहीं, एनर्जी बैंड गैप। ईजी की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, किसकी, ईजी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन होगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एनर्जी बैंड गैप के ऊपर किसको, कंडक्टर को, इंसुलेटर को, सेमी कंडक्टर को, ठीक है। करें डेफिनेशन हुई एनर्जी बैंड गैप की, क्लियर हुआ, कर दे इसको क्लियर।
कर दे साहब, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी बैंड गैप ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। जल्दी से लिखो, फटाक फटाक लिखो, जल्दी लिखो, ट्रेन छूट ना जाए, बस छूट ना जाए, लेक्चर छूट ना जाए, ओके जल्दी लिखो। नेक्स्ट है तो वो देखते हैं ना, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, मटेरियल मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ईजी एनर्जी बैंड गैप, उसके बेस पे आएगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन करें, एक तरफ लिखते हैं कंडक्टर, एक तरफ लिखते हैं इंसुलेटर, एक तरफ लिखते हैं सेमी कंडक्टर, ओके लिखें, चलो लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं, मेटेरियल लिखते हैं, चलो मेटेरियल तो हमें मालूम ही है, मेटेरियल है, ठीक है। मेटेरियल्स कौन कौन सी हैं, एक आएगा क्या आएगा, मेटेरियल्स तो है, ठीक है, कंडक्टर क्या लिखो यहां पे, कंडक्टर्स, एक क्या लिखो, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, एक क्या लिखोगे, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर्स। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी, किसकी, इसकी, किसकी, मटेरियल की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, मीन जिसके अंदर कोई भी एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं। मान लेते हैं ये कौन सा बैंड है, ऊपर वाला, ये कौन सा बैंड है, नीचे वाला, इस फिंगर को देखना, फोर फिंगर ये, फोर फिंगर ये, तो आप जानते हैं, मान लेते हैं बीच में गैप है, दोनों फिंगर के बीच चार फिंगर के, चार ये गैप है कि नहीं, अब ध्यान से। अब क्या होता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बैलेंस बैंड। अब क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में थोड़ा बहुत मिलजुल जाते हैं, मिलजुलने का मतलब है ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब दो इसकी दो इसकी, मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है, तो दो ऊपर बची इसकी, ये दो इसकी बची, और ये बीच वाली दो क्या कर रही है, दो इसकी चार ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जिसमें एनर्जी बैंड गैप नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है, द मटेरियल्स इन विच वीबी एंड सीबी, वीबी नहीं सीबी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते, क्या होगा, That is EG, को कहो पार्ले जी, तो नहीं, एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, जी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है, इतना हुआ, चलें चलें, ये हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, सेमी कंडक्टर, क्या आएगा, ऐसी डेफिनेशन आएगी, उसको हम क्या है, डायग्राम से क्लियर कर लेंगे, ऐसे बना के लिख लोगे, ठीक है, तो हम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे डायग्राम से, ये उतार ली डेफिनेशन की कंडक्टर की, कर दे क्लेम, कर दे, ओके कर लिया, उतार लिया हुआ। The material in which valence band and conduction band overlap, that is energy band gap कितना आएगा, zero, is called conductors, ठीक है, अब इसका diagram करेंगे, ठीक है, diagram क्या बोलता है, diagram कुछ नहीं बोलता, वो दिखाता है, बोलता तो कौन है, हम बोलते हैं, तो ये कौन है, ये आएगा, कौन आएगा ये, अरे कौन है ये, line है, नहीं line नहीं है अभी, ये कौन सा नीचे होता है, valence band, और ऊपर कौन आएगा, ऊपर कौन आना है, ऊपर तो भगवान है, ठीक है, ऊपर कौन आएगा, ऊपर थोड़ा आएगा, ऊपर तो बादल आएगा, आसमान आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कौन आएगा, कंडक्शन बैंड आएगा, तो ये ग्रीन वाला कौन सा है, ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला कौन सा है, ये ग्रीन वाला है, कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, और जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, कौन सा बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड,
और ये दोनों का आपस में ये रेड पोर्शन क्या बताएगा, ये वाला इतना, ये क्या करें आपस में ओवरलैप, क्या करें ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रहा है इनके बीच में, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे वो कहां जा रहे हैं, अपने आप कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, वो फ्री मूव करते हैं। तो यहां पे ये लेवल है, ये ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट लेवल होंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अपने आप मूव करेंगे, कहां मूव करेंगे, फ्रीली, क्या करते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, किसमें, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इसलिए कंडक्टर के अंदर क्या है, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो फ्रीली मूव करते थी। लेकिन ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो बैठा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या करेगा, खींचेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींच लेता है, ठीक है, इसलिए ये हुआ। उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर, यू नो वेरी वेल, एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, तो यहाँ से तो सिल्वर, ये क्या है, कंडक्टर। अब क्या करते हैं, हम सेमी कंडक्टर का डायग्राम करते हैं, करें ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं नीचे वाली लाइन किसको बताएगी, ये नीचे वाली लाइन बताएगी वैलेंस बैंड को, और मान लिया ये वाली कौन सी लाइन, कौन सी, हरियाली वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन, लाइफ लाइन, ठीक है, ग्रीन हरियाली वाली, ठीक है, तो किसको बताएगी, कंडक्शन बैंड को बताएगी, ठीक है। और इनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे, इनके बीच के गैप को हम बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, अब ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, हमें जरूरत कुछ ज्यादा बना दिया क्या, नहीं, ठीक है, तो ये क्या होता है एनर्जी बैंड गैप, ईजी की जो वैल्यू आएगी ये लेस देन आती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ऐसे मटेरियल जिनका एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। अब जिसका एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर, क्या बोलेंगे इसको, इंसुलेटर। करें बनाए डायग्राम, बनाते हैं, बनाओ जल्दी से, फटाफट। यहाँ से कौन कौन आएगा, यहाँ पे बीबी, तो ऊपर कौन आएगा, बीबी या सीबी, सीबी आएगा, बीबी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अब ये क्या है, नजदीक हम इसको और ऊपर लेके जाते हैं, आसमान की तरफ लेके जाते हैं, बहुत दूर लेके जाते हैं, लेके चले गए, लेके चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला गैप क्या होगा, देखो पहले था ही नहीं, अब थोड़ा बहुत है, बहुत ही ज्यादा है, तो क्या हुआ, इंसुलेटर, ठीक है। तो ये गैप क्या आएगा, ये जो गैप आएगा, ये वाला गैप क्या आएगा, ईजी, खुद का उपाय जी, नहीं क्या आएगा, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। इतना क्लियर हुआ। तो वीवी में कौन प्रेजेंट होता है, बताओ भाई कौन प्रेजेंट होता है वीवी में, कौन, आर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, दो लाइन नहीं, बहुत सारी इनफाइनाइट होती है इनमें, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम तो ऐसे बनाया है हमारा, ये ऐसे, ठीक है, ये तो कंडीशन क्या थी, जीरो केल्विन, कंडीशन क्या है, जीरो केल्विन, ये भी क्या है, जीरो केल्विन, ये भी क्या है, जीरो केल्विन, ये भी क्या है, जीरो केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नहीं मालूम लिख लो, फिर नहीं मालूम तो क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या आएगा, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसमें क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, या जब टेम्परेचर कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अरे सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंड लगती है, अब माइनस में टेम्परेचर जाएगा, बर्फ ही बर्फ होगी, उससे ज्यादा माइनस में होगा, बर्फ ही बर्फ, उससे ज्यादा होगा, बर्फ ही बर्फ। अंटार्कटिका में क्या है, बर्फ है, टेम्परेचर कितना है, माइनस में बहुत ज्यादा, तो ये टेम्परेचर क्या, -273, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उस पे जो होता है, ठीक है, इतना हुआ, क्लियर हुआ, चले चले। अब
कर दी स्कोर, अब उतार लिया, उतार हो जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, एट जीरो कैलोरी नहीं, अब हम करेंगे रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे इसको। किसको लेके जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे। इसको कर दे रहा, हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया, हटा दिया। अब किसको हटाना है, किसको हटाना है, काली घटा को हटाना है, जो मार्क्स नहीं आने दे रहा उसको हटाना है और मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से है, उसके बाद क्या ध्यान से देखो इसमें। अब हम क्या करते हैं, किस केस में, इस डायग्राम दोनों सेम है हमारे यहाँ पे, अरे लिखा ही नहीं हमने, कौन से वाला, ऊपर वाला, ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। अब हम क्या करते हैं, अब करेंगे हम इसी टॉपिक को करते हैं, इस पे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, बिल्कुल लोअर माइनस में नहीं है टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ध्यान से सुनना है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, किसमें, वैलेंस बैंड में, जो एनर्जी ले लेंगे, जो एनर्जी ले लेंगे, और किसकी तरह भागेंगे, घोड़े की तरह भागेंगे, होर्स की तरह। तो कहां जाएंगे वो, ऊपर जाएंगे, ऊपर कहां, वीबी से सीबी में, और क्या छोड़ के जाएंगे, जब कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, खाली मतलब वैकेंसी हो जाती है। तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन होंगे एनर्जी ले लेंगे और कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो मान लिया कोई ये इलेक्ट्रॉन था, ये था, ये अपने पीछे वैकेंसी छोड़ के चला गया, और कहां चला गया, यहां पे, कहां पे, कंडक्शन बैंड में। मान लिया कोई एक और था, कोई दूसरा था, मान लेते ही है, कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ये भी कहां चला गया है, इधर, तो ये क्या छोड़ के गया अपने पीछे, वैकेंसी, क्या छोड़ के गया, वैकेंसी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे, सेमीकंडक्टर केस में रूम टेम्परेचर पे देयर आर सम इलेक्ट्रॉन व्हिच गेन द एनर्जी मोर देन द एनर्जी बैंड गैप एंड मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसी के नीचे शब्द लिखो, इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर सम, सब कुछ इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे कहां से, सराउंडिंग से, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर सम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, ठीक है, विच प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड एंड मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बिकॉज जो गेन एनर्जी, जो एनर्जी ली है, गेन जो एनर्जी आएगी वो ग्रेटर देन हो जाती है इससे, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा ले जाता है, ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ले जाते तो कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैकेंसी, लीव्स द होल, ठीक है, लीव द होल इन कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। तो अपने अंदर पीछे क्या छोड़ के जाएगा, होल छोड़ के जाएगा, ठीक है, इसमें सेमी कंडक्टर में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सेमी कंडक्टर में जो होल भी बना और इलेक्ट्रॉन भी बना, जब इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये क्या करेगा, कंडक्ट, क्या करेगा, ये कंडक्ट करंट, तो एक करंट बनाएगा, कौन, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस बैंड से कहां से लेते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वो क्या है, दो चार्ज के लिए बने कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या बना, हो, ठीक है। तो इसमें जो करंट आता है सभी इलेक्ट्रॉन दो के साथ, एक इलेक्ट्रॉन किससे, एक किसी से, होल की वजह से। इतना हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या था इस केस में, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर केस में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप से क्या हो, ज्यादा हो, वो कम ही रहती है, इसलिए क्या वो जंप नहीं कर पाता, जब जंप ही नहीं कर पाएगा तो वो करंट नहीं देता,
ठीक है, तो ये क्या होता है इसलिए इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर कैसे हुआ दोबारा सुनो, इंसुलेटर केस में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता जो क्या करता है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन में चला जाए, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि इस एनर्जी को तोड़ के ऊपर चला जाए, ठीक है। इसलिए क्या है वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ये क्या था आपका डेफिनेशन हुई थी इसकी, कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमी कंडक्टर की, किसके बेस पे, एनर्जी बैंड गैप के केस पे, ठीक है। क्लियर हुआ, उतार गया, उतार लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हुआ, इसमें कुछ रहता नहीं है, नहीं रहता है, ठीक है, इसमें छोटा सा रहता है, मान लिया एक रहता है। एनर्जी बैंड गैप लिखते हैं किसके लिए, डायमंड के लिए, ठीक है, किसके लिए, डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन होता ना ई जी किसके लिए, कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना हुआ। अब ये नोट में लिख लेना है, कहीं एक और है, नोट में लिख लेना है, नोट में कहीं साइड में नोट में लिखना है, क्या लिखना है, जो या जीरो कैलोरी पे जो ग्लास होता है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी बैंड गैप होती है वो कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जीरो कैलोरी पे, इसमें क्या है, जीरो कैलोरी पे, ठीक है, इतना हुआ। तो डेफिनेशन हुई, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर हुआ होगा टॉपिक आपको आज ये, ठीक है। तो डेफिनेशन हुई हमारी इसके बेस पे, रूम टेम्परेचर के बेस पे किया, तो डेफिनेशन कंडक्टर की हुई, इंसुलेटर की हुई, उसके फर्मी लेवल की डेफिनेशन हुई, फर्मी लेवल के बाद फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन हुई, ऑब्जर्व टेम्परेचर की डेफिनेशन हुई, वैलेंस बैंड की डेफिनेशन, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन, एनर्जी बैंड गैप की डेफिनेशन, क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या किया है, डेफिनेशन की है। तो आज इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेमी कंडक्टर के टाइप करेंगे, क्या करेंगे, मोस्ट आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन कौन से होंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, प्योर, इम्प्योर, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से करेंगे, वो समझ में क्या है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो आज इतना ही करेंगे हम,